ड वेलकम बैक चिल्ड्रंस टू दर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर सो दर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट हाउ टू सेट द्राइट पोजिशन ओके सो फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द इस पोजिशन अगर आपकी पोजिशन यानी कि आपकी स्प्राइट की जो पोजिशन है वो किस जगह पे है तो आप वहाँ से कैसे उसको हटा के दूसरी जगह सेट कर सकते हैं आप अपने आ, स्प्राइट की एग्जैक्ट पोजीशन भी इस मेथड से समझ सकते हैं सो चिल्ड्रेन द स्क्रैच स्टेज इस फोर सिक्स एट्टी पिक्सल्स वाइड एंड थ्री सिक्सटी पिक्सल्स हाई ओके जो स्क्रैच का स्टेज है वो फोर एट्टी पिक्सल वाइड है और

ऑफ़ द स्टेज हैज़ एक्स कोआर्डिनेट एंड वाई कोआर्डिनेट दैट पोजिशन एट अ जीरो जीरो ओके इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिख रहा है दिस वन ठीक है ये एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है ठीक है सो नाउ टू फाइंड आउट द एक्स वाई पोजिशन ऑफ द स्प्राइट ऑन द स्क्रीन क्लिक एंड ट्रैक द स्प्राइट एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द कोआर्डिनेस डिट बिलो द स्टेज ओके अगर आपको अपने एक्स ओ वाई की पोजिशन स्प्राइट uh, की पोजिशन को फाइंड करनी है तो क्या करना होगा कि आपको पहले क्लिक करना है और ट्रैक करना है स्प्राइट को और उसके कॉर्डिनेस जो होंगे वो ऑब्जर्व uh, आपके सामने कोऑर्डिनेस डिस्प्ले हो जाएगा इस्टेज पर और आप उससे ऑब्जर्व करके अपने स्प्राइट के पोजीशन को एग्जैक्टली exactly पोजीशन उसकी फाइंड कर सकते हैं नाउ दैट एक्स वैल्यू डिटरमाइंस द हॉरिजेंटल लोकेशन ऑफ द स्प्राइट अगर स्प्राइट की जो एक्स वैल्यू है वो आपकी हॉरिजेंटल लोकेशन बताती है स्प्राइट की और जो वाई वैल्यू है वो डिटरमाइन करती है उसकी क्या वर्टिकल वैल्यू ठीक है वर्टिकल लोकेशन वर्टिकल इज लाइक वन स्ट्रेट एंड हॉरीजेंटल इज़ लाइक दिस ओके चिल्ड्रेन द एक्स वैल्यू ऑफ द स्टेज कैन रेंज फ्राम टू फोर्टी टू टू फोर्टी जो एक्स की वैल्यू है वो 240 टू 240 है और वाई की वैल्यू जो रेंज है वो 180 एट्टी टू वन है ओके सो लुक एट द फिगर 7.8 पॉइंट एट आपका फिगर ये है ठीक है एंड कंसीडर इस स्क्रैच स्टेज द ईजिएस्ट वे टू सेट अ स्प्राइट्स पोजिशन बाई यूजिंग ब्लॉक्स फ्रॉम द मोशन ब्लॉक पैलेट अब यहाँ से आप इस अपने ब्लॉक पैलेट से अपने स्क्रैच की पोजिशन को सेट कर सकते हैं ओके सो हाउ टू सेट द स्प्राइट्स पोजिशन सो लेट इस क्रिएट अ स्क्रैच प्रोजेक्ट बाई स्पेसिफाइंग द स्प्राइट्स लोकेशन ऑन द स्टेज अब हम स्क्रैच प्रोजेक्ट पे एक स्प्राइट्स की लोकेशन को कैसे स्पेसिफाई करते हैं सो फर्स्ट वन वी हैव टू क्लिक सॉरी ड्रैग द ब्लॉक फ्रॉम द इवेंट ब्लॉक एंड ब्लॉक्स फ्रॉम द कंट्रोल ब्लॉक पैलेट टू द स्क्रिप्ट एरिया आपको ये वाला ब्लॉक पहले सेलेक्ट करना होगा ओके ब्लॉक कहाँ से इवेंट ब्लॉक से और ये वाला ब्लॉक दिस वन फॉर एवर कंट्रोल ब्लॉक पैलेट से यहाँ से इन दोनों ब्लॉक्स को आपको सेलेक्ट करके स्क्रिप्ट एरिया पे एडजस्ट करना है देन सेलेक्ट द मूव्स इट सॉरी टेन स्टेप्स ब्लॉक फ्रॉम द मोशन ब्लॉक फिर आप मोशन ब्लॉक से मूव टेन स्टेप्स सेलेक्ट करोगे एंड उसके बाद प्लेस्ड इज इन द इनसाइड ऑफ दिस ब्लॉक इस ब्लॉक के बिल्कुल बीचों बीच में ये जो एरिया है यहाँ पे आपको सेट कर देना है ठीक है सो चेंज द स्टेप वैल्यू टू हंड्रेड आप अपने स्टेप वैल्यू को हंड्रेड कर दीजिए जस्ट लाइक दैट देखिए यहाँ से आपने चूज किया यहाँ पे आपने इस वाले लोकेशन पे आपने इसको एडजस्ट कर दिया देन ड्रैग द वेट वन सेकेंड आप वन सेकेंड इस ड्रैग को कहाँ से ट्रैक करेंगे कंट्रोल पैलेट से और उसे इसी के जस्ट टेन हंड्रेड स्टेप वाले के जस्ट नीचे सेट कर देंगे देन अगेन क्लिक एंड ड्रैग द सेट एक्स टू ज़ीरो एक्स टू ज़ीरो से आप सेलेक्ट करोगे ज़ीरो की जगह आप उसे हंड्रेड अप टू हंड्रेड उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं एंड वो आप चूज़ करोगे कहाँ से मोशन ब्लॉग से और उसके बाद आप अपने स्क्रिप्ट एरिया पर ले जाके उसे सेट कर दोगे ठीक है देन अगेन पिक द वेट वन सेकेंड फिर आप वन सेकेंड का वेट करोगे इसलिए आपको फिर से ये वाला सेलेक्ट करना होगा और उसे जस्ट सेट एक्स टू हंड्रेड के नीचे सेट कर देंगे लाइक दिस एंड आफ्टर दैट एट द चेंज साइज बाई टेन फिर आप एक और ब्लॉक ऐड करोगे जिस पे लिखा होगा चेंज साइज बाय टेन एंड चेंज कलर इफेक्ट बाय ट्वेंटी फाइव इन दोनों ब्लॉक्स को आपको चूज करना है उसके बाद एक एक करके चूज करेंगे ठीक है और इसे बिल्कुल एंड जो आपका स्क्रिप्ट है उसके एंड में आपको एडजस्ट कर देना है नाउ चेंज द वैल्यू ऑफ द चेन साइज बाई टेन ब्लॉक टू फाइव आप ओके okay, जो जो चेन साइज है वो टेन है उसको आप चेंज करके फाइव कर दीजिए देन क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग एंड ऑब्जर्व द स्प्राइट चेंजिंग इट्स पोजिशन ये जो आपका ग्रीन फ्लैग है ठीक है इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो स्प्राइट है वो अपनी पोजिशन चेंज कर रहा होगा ये आपको ऑब्जर्व आप उस पर ऑब्जर्व कर सकते हैं ठीक है और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और उसका साइज भी चेंज हो जाएगा इन सिमिलर मैनर वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट वाई यूजिंग सेट वाई टू जीरो ब्लॉक अगर हमें वाई पोजिशन वाई वाई एक्सेस की जो लोकेशन है वर्टिकल उसकी लोकेशन अगर हमें चेंज करनी होगी तो हम वहाँ पे एक ब्लॉक हमने चूज किया था सेट एक्स टू जीरो वहाँ पे हम यूज करेंगे सेट वाई टू जीरो ओके सो दिस इज द वे दैट हाउ टू एट हाउ टू सेट द स्प्राइट पोजिशन सो नाउ चिल्ड्रेन टूडे सेकेंड टॉपिक इज अबाउट दैट सेटिंग द रोटेशन स्टाइल अगर आपको रोटेशन स्टाइल को सेट करना है तो आप कैसे करेंगे सो वी कैन ऑल्सो सेट द रोटेशन स्टाइल्स

जेब जैसे वॉक कर रहा है इस स्प्राइट को आपको चूज कर लेना है ओके देन ओपन द स्प्राइट इन पेन सेक्शन बाय क्लिकिंग ऑन आई आइकन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट ओके यहाँ पे आपको लेफ्ट कॉर्नर में लुक एट दिस पिक्चर ये आपको लेफ्ट कॉर्नर पे आई दिख रहा है इस आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ओके okay, तो क्या होगा ये जो आपका uh, लेफ्ट कॉर्नर में जो आई आइकन है ये ओपन क्लिक करोगे तो इसके पास आपको कई सारे एरोज शो होने लगेंगे ठीक है उसके बाद आपको वहाँ से लीनियर एरो रोटेशन स्टाइल पे क्लिक कर देना है एंड ड्रैग द ब्लॉक्स ऑफ द स्क्रिप्ट एरिया आप अपने उस स्ट्रिक सॉरी स्क्रिप्ट एरिया पे ब्लॉक्स को ट्रैक कर दीजिए और चेंज द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक्स फिर आप अपने ब्लॉक्स के वैल्यू को चेंज कर दीजिए सो क्लिकिंग ऑन द ग्रीन फ्लैग टू रन द स्क्रिप्ट उसके बाद आप देखोगे तो जो आपका स्प्राइट है वो चेंज हो जाएगा ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट दैट हाउ टू चेंज द रोटेशन स्टाइल सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन आज फ्रिक्वेंटली थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे